नमस्कार दर्शकों, जन की आपते पता ची कि हम दूरदर्शन का माध्यम से अपना उत्तराखंड की संस्कृति परंपरा यक्का समाज यक्का खान पान से लेते बोली भाषा और बहुत सारा विषय ऊपर हम बार बार बातचीत करता रहना। और आज को जो हमारो विषय उच्च टिहरी तेरी याद माँ, किले की 28 दिसंबर ते सन 1815 में पहली बार जो टिहरी राज्य की स्थापना हुई है गोरखैनी का बाद। और टिहरी का हमारा आज का जो ये कार्यक्रम में विशेष मेहमान छ जो कि टिहरी का जिंदा जागता इतिहास पुरुष छिन श्री मोहनलाल नेगी जी, वरिष्ठ साहित्यकार छिन। आप पूर्व जीवन जो पहाड़ की सेवा में लग्यू रहन और आप बहुत जाना माना वकील भी रहन। तो नेगी जी, सब आपको ये कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, किले कि टिहरी की हम याद करना छा आज का दिन में। थोड़ा सा अपनो परिचय कि आपको जन्म कख हुए और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कन कन रहे, फिर और भी हम अगने बात कर ला आपसे। हम लोग असल में ओरिजिनली जो है वो बड़चूरी कोटी फैगुल का था। अच्छा, तो वहाँ के बाद जो है ठोकदार था हम लोग जी मैजिस्ट्रेट पावर। अच्छा, और एक वो पर एक पनिशमेंट हो तो हर गेट का बड़े गेट के पर जो है को पेड़ जी पेड़ का हाँ, तला पर। अच्छा, तो वो बहुत भारी गेंद बोल तो वो लोग संकल बड़ा सब बनो। अच्छा, तो वही पर जो अपराधी था वो जैसे सजा मिलता तो वो पर बांध बांध दे था वैसे। अच्छा, तो वैसे हर गेट को बोलता तो वो पड़े रोल तो वो आपन देख ना ना सजा तो बहुत पुरानी बात है। हाँ, 1815 से पहले की बात जी। 1800 तो प्रारंभिक शिक्षक कक कक हुए कन कन हुए। हाँ, मैं 1930 में पैदा हुआ हूँ जी, बेलग्राम माठौर मुझे बेलवान में बोल रहा। अच्छा, अकेले के हमारे घर का ही थे पूरा बाटा बाट जो थे वो बेल बेल के बेल का पेड़। बेल ही बेल। अच्छा, बेल का पेड़ जी जी हाँ, तो ये वास्ते जो थे बेलवान में बोलता। तो हम लोग फिर बाल परिष्कृत करी हमारे जो भाई लोग था श्याम चंद जी प्रसिद्ध पत्रकार उन बेलग्राम बेलवान में से बेलग्राम बहुत सुंदर। अच्छा, तो यान बेलग्राम तो यान पढ़े। अच्छा, तो प्रारंभिक शिक्षक कब हुए आपके? हाँ, मैं 1930 23 जनवरी नेताजी जी के जन्मदिन में पढ़ते हुए दिन हाँ, 23 जनवरी 23 जनवरी 1930 जी मैं पैदा हुआ हूँ बेलग्राम में। हाँ, तो अब आप जाए तो घर के जन ओवरो बोल रहा पैदा हाँ है ना। हाँ बिल्कुल। वो पहले गोर 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 को वो गोरो ओवरो सोल वंचा में पैदा। फिर हाँ से पैदा बच्चा, पर हाँ बिल्कुल। कहने वक्त पहले अच्छा, हाँ बाग बाद पर बच पहले ये किताब में बच्चों भाई को हाँ जिक्र है। जी, तो मेरे ने वो जल होली बच्चों की जड़वाने ने हाँ औपचारिक रूप से जी। बोले हुए अच्छा, वो तो बाल वो था बढ़िया ना। हाँ अरे वो नहीं मिले था मैं कैसे नहीं बेटी हाँ एक पंडित था हमारे मोला नंद जी। अच्छा, तो वो आए ना तो वो देखे हले ये क्या वो गाड़ी मशीन हमारे बाबू जो हो मशीन रहते हैं ना। हाँ तो वो मशीन गाड़ी वो जो साल पूरा सब कर दे और वो जुड़ा नहीं। अच्छा, तो तब शिक्षा अंगने। हाँ, शिक्षा वहाँ कुछ मेरे घर में अच्छा, चौगला पर सिलट पर। हाँ और तब के बाद फिर डायरेक्ट मैं प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज बाद में प्रताप हाई स्कूल था वो भी। अच्छा, हाँ प्रताप हाई स्कूल में डायरेक्ट तीसरे तीसरे एकदम तीसरे दर्जा वह मेरे हुआ। अच्छा, तो आप तक कुछ याद छ कि टिहरी की जो स्थापना छे वो जन की 28 दिसंबर 1815 की बात होनी छे। तो 1800 आप तो आप 30 में जन्म हुए जन, तो वही टाइम पर राजशाही को वो छ हाँ, दौर। 1815 से पहले जो है 1815 में माला सुदर्शन संस्थान करी स्थापना हुई थी। जी वहाँ से पहले उनको फादर जो था प्रद्युम्न शाह था। हाँ, प्रद्युम्न शाह खुड़बड़ मोहल्ला उनके वाइल्ड फाइटिंग विद हाँ गुरखास युद्ध में मारे गए। हाँ। तो
फिर 1800 मतलब जब 30 में जब आपको जन्म हुए समझ लिया राजशाही में, बहुत बाद की बात है। तो प्रताप हाई स्कूल बड़े नापन पढ़ाई करी, हाँ। वे के बाद फिर अंगने, फिर अंगने इंटर, जब हम इंटर में पहुंचे हैं जी तो वो प्रताप इंटर कॉलेज हो गई, अपग्रेड हो गई, अपग्रेड हो गई। अच्छा, वहाँ इंटर तक हम वक्त पढ़ी। अच्छा, वहाँ पर देहरादून है यहाँ लॉ का नाम बी ए, तब लॉ बी ए लॉ 1952 बी ए। अच्छा, ये पर फोटो भी जी जी, और 1954 में लॉ, वहाँ के बाद 6 महीने की ट्रेनिंग। अच्छा, जुलाई में रिजल्ट एग्जाम था, जून जुलाई में, हाँ, दिसंबर तक 6 महीने की ट्रेनिंग, हाँ, 1954, हाँ, और फिर तब पिछपन लगी, हाँ, तो जनवरी 5 में बेटी वकालत, तो टीरी में करी वकालत, हाँ, या कि देहरादून में, देहरादून में ट्रेनिंग लेनी, हाँ, हमारे वकालत वक करी, वकालत टीरी से करी, टीरी से करी। हाँ। तो वे टाइम पर भारत स्वतंत्र हुए छो या कि राजशाही छो एक बार, तो राजशाही थे, राजशाही छे, हाँ, भारत तो 1947 15 अगस्त 1947 में, हाँ, हम 9th नंबर था, 9th नंबर था। हाँ। अच्छा, तो वो बारे कुछ याद से आप तक टीरी की पुरानी याद क्या, ये प्रजामंडल कुआ था ओबरी अच्छा, जमानो, हाँ, शंकर दास जो घंटी लिखते बाजार में, जो वो मीटिंग खातर लोग सुन बोलोन था, है कि भाई वो कांग्रेस की मीटिंग, तो कांग्रेस से तो कम था, हाँ, एक है कि राइबल पार्टी भी था वो, प्रजा हितकारिणी पार्टी, अच्छा, जो राजशाही का वो था हिमायती, उन्हें एक पैरेलल पार्टी थे रखी, अच्छा वे नो तो प्रजा हितकारिणी सभा, अच्छा तो वो अलग कार्यक्रम चल तो एनकाउंटर कांग्रेस के दगड़, तो कांग्रेस का वो भी ये था शंकर दास जी, हमारे भाई साहब भी था, पर वो तो भैरी रहन सेंट्रल आगरा सेंट्रल जेल वगैरह में धुले जी वगैरह के साथ, अच्छा, वो टीम में तो बीरेंद्र जी सकलानी हाँ, था, वो तो डिक्टेटर, जब डाउन फॉलो हुए को यो रियासत को, जी, है ना, तो वो बड़ी वही टाइम में ये बीरेंद्र जी बड़े डिक्टेटर, अच्छा, हाँ, बल्कि वो रजिस्टर बोले रोके, जब जब आर्मी सरेंडर करे हाँ, वे का सामने प्रजामंडल का सामने, प्रजा वो बोले दौलत राम वगैरह बैठ था सब, तो जब उन्हें सरेंडर करे आर्मी, हाँ, बल्कि आर्मी खाली वक्त था जान ले जाए नरेंद्र नगर, जी, है ना, रजिस इंस्ट्रक्शन लेने का, तो ये उन पुलों में रोक देने वो, अच्छा, कमांडर इन चीफ आप नथु सिंह जी, जी, नथु सिंह जी श्रीचंद दो आदमी, तो उन प्रजामंडल के सामने सरेंडर कर देने, और तब जब रजिस खबर आए वो नरेंद्र नगर कि वो भाई डाउनफॉल, कि मतलब आर्मी ने सरेंडर करा ली, तो तब वो रात आए 1 बजे रात पूर्व उबरे काटो पूर्व होने बर्त लकड़ी का पूर्व, रस्सा, हाँ, लोहे का रस्सा, रस्सा, तो पुल पर नहीं वो कांग्रेस से वो कर दें ताल लगे दें, अच्छा, लॉक, और राजमाता और ये नरेंद्र शाह, तो तब नियम दिन वो खतरे था ना, चलिए राजशाही कुछ राजशाही वाला भी था, राजा की हिमायती, हाँ, और प्रजामंडल वाला तो था ही, तो दुम वो थे ना दहशत जी, लड़ने भिड़ने के, तो खून खतर होने की जगह बहुत है, तो तब वो फिर वापस चले जी, नरेंद्र तो नगर, जब आप लगे लगा कि आप 1815 में जब सुदर्शन शाह जी ने जो टिहरी में शासन करी और आपको जन्म 30 में हुए, आपन बोले कि 52 का आसपास आपकी पढ़ाई हुई है पूरी, आप टिहरी में गिन, तो वे टाइम पर टिहरी को जो माहौल छो कनकन माहौल छो वे टाइम पर, जब आप छोटे जब हमारा एडमिशन है 3rd क्लास में, तो लोकल टीचर था, पर हाँ, टीचर बड़ा योग्य था, अच्छा, महाराज नरेंद्र शाह जो वो बहुत छानी छानी के भैरन भगवान था टीचर, है ना, और बड़ा डिसिप्लिन, एक तो भगवंत राय था हमारे प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का पढ़ा, अच्छा, तो आजकल के डायरेक्टर नहीं हुआ इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से था वो पढ़ा, अच्छा, हाँ, ये गैरोल हमारे जो बड़ा है ना वो गवर्नमेंट का लाहौर का था पढ़ा, वो रजगों जो लड़का प्रिंस जो राजकुमार था अच्छा, वो फादर वो रहे गार्जियन का प्रिंसेस का,
अच्छा राजकुमार होगा जी, तो वही ना तो फिर यूं को लड़के भी महावीर प्रसाद जी, महावीर प्रसाद गरोला, महावीर प्रसाद गरोला जी भी गवर्नमेंट कॉलेज इलाहाबाद में पढ़े। अच्छा हाँ, वहाँ के बाद तब से इलाहाबाद आए। तो टीरी मत वही टाइम पर समझ लिया कि बहुत साहित्यिक सामाजिक और वकालत और राजनीति को बड़ो बड़ो गढ़ रहे हो, वो तो जब राजधानी से टीरी थे। हाँ कुछ लोग बड़े वो था डेडिकेटेड, जीजल सत्यपाल साह जी रतौड़ी है, नौ सुनो बोला हाँ नौ सुनियो सत्यपाल रतौड़ी, और ये भगवत प्रसाद पाथरी, श्याम चंद नेगी, और आपका ये वह का टिंगरे का बुनियाल लो जो ये विमल के विमल जो जी जी अब लो भाई जी वो लोग याद। अच्छा कोई नहीं। अच्छा हाँ नेगी जी बता कि जब वकालत की पढ़ाई भी पूरी होगी तो आपकी सबसे पहली मतलब लेखन की तरफ झुकाव कन्मा हुए आपसे? हाँ वो गलत कर दे रहा, हाँ और मेमोरी की आप कल दाद दे ला उन्हें बड़ी तारीफ करी ठीक नहीं, और जो मैंने पहले वो साल 55 में पहले रूलिंग साइड करी कोर्ट में, अच्छा 1935 नागपुर पेज 13 अच्छा जो फर्स्ट रूलिंग दैट आई सबमिटेड वो था 1935 नागपुर पेज 13 अच्छा एक्साइज मामले में थे शराब वराब, तो वो आज भी आज छुट्टी तो क्लाइंट लिखन शुरू कर में हुए हाँ लिखन जो कहानी कुछ दिन में सर वह 66 करीब एक घंटाघर टीरी का घंटाघर जी की कहानी उसी की जुबानी। अरे वाह, यू मैं एक घंटाघर पर वो एक दूरदर्शन थे उन्होंने लगी ना। हाँ अब स्टेट वो भी थे राज्य को ध्यान देना सवाल नहीं था, और नगर पालिका तो नहीं नेगलेक्टेड रहनु, तो घड़ी बंद होगी तब मैं लिख पे गढ़वाली में लिख चाहिए या हिंदी में? मैं बोल हिंदी में था, हिंदी में हाँ अच्छा। लेकिन बहुत ज़्यादा ये तो वेरी मच अप्रिशिएट है। हाँ जन की आपकी हाँ तब वो गैरोल विन फिर बोले हाँ हाँ एक नौकर पर लिखते मैं कहानी कि नौकर अच्छा नौकर ना हाँ हाँ वो घर पर वो करके भागे तो वो तो वे को अच्छा तो तब गैरोल ने बोले कि आप हाँ गढ़वाल में भी ट्राई करा। अच्छा हाँ तो बहुत मैं बढ़िया। तब उनको इन्फ्लुएंस तो ये कृष्ण चंद्र वगैरह प्रेमचंद तो उनको साहित्य में बहुत पढ़े थे, अच्छा तो उनको प्रभाव तो थोड़ी तो तब मैंने पहली कहानी जो लिखी वो थोल कहानी लिखी अच्छा विलेज फेयर। विलेज फेयर हाँ अच्छा थोल तो वो बड़ी आपकी शेर है। हाँ ये मैं पूछू यू पहले काम अच्छा पे जोनी पर जोनी पर छापू छापू जो के लिए आपकी किताब ची या 1967 में प्रकाशित हुई 67 में तो गढ़वाली का जो पाठक छे वो छे नहीं इतना ज्यादा आप ते क्या लगी कि मैं ते गढ़वाली में लिखण से पाठकों तक पहुंच लूं कि नहीं पहुंच लूं? अब टीरे में बहुत कम वो चल कदरदान ना हाँ कोई ये ना उनका अंदर वही नहीं ना जुनून के इस गढ़वाली से वो क्या जाओ हाँ है ना, पर कुछ लोग मैंने वो भी 2000 किताब छपाई ना, और वो पता नहीं कुछ लम्बू हो गए कुछ जगह जगह रहे वो बोल रहे अच्छा अच्छा और वेगा बाद आपकी एक दूसरी किताब है 1983 में बुरांस की पीड़ 85 में। 85 में और हाँ ये दुई का दुई बिल्कुल आपन गढ़वाली भाषा में हाँ लिखी। दो बिगड़ वाले में से तो यूं कहानियों में क्या टीरी को कुछ वर्णन छे ज़्यादा तो गाँव की बात वर्णन छे। टीरी को? हाँ हाँ ज़्यादा गाँव की बात वर्णन अच्छा गाँव में रहा ना हाँ और तो आपन फिर 2012 में सुने ना फिर गढ़वाली में फिर उपन्यास लिखे हाँ सुन आपको सामने ये विषय के छे? एक विषय तो एक तो ये चूंकि ये सुने ना दर्शकों तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये नेगी जी की बहुत सुंदर पुस्तक छे और सुने ना जो उपन्यास ये पूरी तरह से गढ़वाली में लिखी छे नेगी जी की एक किताब छे। और नेगी जी आप इन बता कि गढ़वाली में अपन कविता भी लिखी नहीं क्या कविताएं? कविता लिख तो वो कुछ बने वह अच्छा कुछ बने पता नहीं लोग वो कल ठट लगा तो मैं कभी को बोल अच्छा हिंदी में तो लिखे जी ना अपन मैंने पढ़ी भी छिन बल्कि मैं जो आपकी यादों की हाँ यादों की हिंदी कलियां जो नई लेटेस्ट किताब से आई
यस सब में हिंदी में और यह नई किताब मोहनलाल नेगी जी की जो यादों की गलियां छिन ये माँ आप लगे लिया कि पूरा टिहरी का जो होगा बचपन से लेते हैं और अभी तक का बुजुर्ग होने का बावजूद उन पूरा अपना संस्मरण ये पुस्तक में संकलित करिया छिन और ये पुस्तक पर भी बात कर लेने की जी लेकिन मैं छो चाहो कि आपको बार बार मैं फिर आपते दोहराणो छो कि लोग आजकल जो छिन हिंदी में लिखने की कोशिश करना छिन अंग्रेजी भाषा में पुस्तक लिखने की कोशिश करना छिन जैसे कि उनको जो किताबें छे या उनकी रचना छे वो पूरे दुनिया तक पहुँचो या अधिक ज़्यादातर पाठकों तक पहुँचो लेकिन जो यू आपको एक डेडिकेशन छे जो एक समर्पण छे गढ़वाली भाषा का प्रति ये का पैथर क्या कारण छे एक पैथर कारण कुछ नहीं वो गहरे मिल बोले कि आप गढ़वाली वो कर रहा हाँ हिंदी में लिख दे तो गढ़वाली में ट्राई करा हाँ तो पहले क्या थोड़ू था तो वो बोला लेकिन वो नथिंग सक्सेस लाइक सक्सेस अच्छा है ना हाँ। तो ये कहल थोड़ो लेके फिर है के लिए फिर है फिर 10 काल हो गए अच्छा लास्ट दुनियाल रात अच्छा। तो दुनियाल रात में एक वजह प्रसंग है हाँ। तो वैसे फिर दोनों पर छाप के लिए पड़े वो प्रसंग ये चूंकि दो ये दादी और नाती हैं भैर जाड़ों में भैर बैठ चौक में वो चार पाए लगाए तो वो दुनियाल रात है तो वो बच्चा इन्होंने पूछी नाती ने कि दादी जो नी माता हाथ खूब सुंदर बैक बैक जाना हाँ बैक प्रेटी ब्यूटीफुल हाथ सुंदर बैक है पर मैं बस छाप के ले तब दादी ये कहा कत सुनो ले कि इन कि सूरज और चंद्रमा दोनों में एक दफे लड़े हुए तब दादी ने पूछा क्या लड़ने लगा तो सूरज ने बोले कि यह भूली अब भूली हुए यह बोल रहे कि मैं सुंदर है और मैं बोल मैं सुन तब वो ऊपर बूढ़ घसण से लगी है ना तब वह मार छपांगे घसण लगी कि चल छोरी तो तू बड़ो कि यू बड़ो यू तो दिन में वैसे घाम वो कर दो नांगो सन जो जो मुझे गर्मी दे और तू रात चोर चक्को सन उजाल बताऊँ दी बाटू बताऊँ दी तो तू ये सब बड़ो सूरज तो वो बड़ी जोनी पर छापू के लिए अच्छा तो ये वजह से जोनी पर छापू किताब की रचना हुई आपकी अच्छा नेगी जी भी बता कि टीरी तो मतलब पूरी एक पूरा समझ लो कि पूरा गढ़वाल की और पूरा उत्तराखंड की एक बहुत मशहूर शहर छी और राजधानी भी रहे वो गढ़ देश का जो हमारा ऊँचा राजा लोग तो टीरी की जो यादें छिन आप ते वो कन कन याद छिन टीरी की जरा कुछ यादें अगर आप ताजा कर सकूँ पहले तो राजधानी टीरी थे कीर्ति शाह का जमाना हाँ। बाद में नरेंद्र शाह जो थे वो नरेंद्र नगर बसाए हाँ। तो टीरी फिर उजाड़ हो गई हाँ। बल्कि पुराने दरबार में जो वो था कुछ लोग हाँ। जो घर था जी रन था गाँव हाँ। ये खाली था पड़ा तो वो भी टैक्स पर हाउस टैक्स पर तो अच्छा तो वो हाउस टैक्स दे लो मन मन कटे दिन अपने नाव से हाउस टैक्स तो मतलब गर्जियन कट गए तो अब लड़े वो जब दाम बने कि साहब हमारा मकान था हमारा था बोले तुम्हारे क्या तुम्हारा तो नौ कट गया अब तो नौ छः नहीं तुम्हारा तो यूँ रहे तो वहाँ का बाद जो है हम तो जब नरेंद्र नगर चले गए वहाँ राजधानी हम तो तभी देखे ना वहाँ से पहले तो हम लोग छोटे था तो ये मेरे घर 40 करीब चले था ये वक्त अच्छा नरेंद्र नगर चले रेलवे हेड नजदीक तो ना नरेंद्र नगर बेटे दस दस मील मतलब 15 किलोमीटर तो ये वहाँ तो वो के मारा नहीं निशान वो के वो सिर्फ बार त्योहार वहाँ था यह टेरी दशहरे वगैरह में पैतम दशहरे और पैता बोल रहे पैता मैं भी पहले पहले जब पैता गए हूँ मतलब पैता के दिन गए हूँ टीरी तो मैं देखी गंगा जी वो नीली तो मैं सोच पैता की वजह से नीली अच्छा तो दर्शकों जन के आप तो पता चल कि आज हम टीरी दिवस पर विशेष बातचीत करना चाह और हमारा मेहमान छिन प्रसिद्ध साहित्यकार मोहनलाल नेगी जी तो टीरी तेरी याद माँ टीरी की बहुत सारी याद छिन नेगी जी ना
और आप तक के मतलब वे टाइम पर बताऊं लोग की फुटबॉल मैच भी होना छा बड़ा बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम नुमाइस मैदान छो नुमाइस मैदान जो एक ड्रामा हाउस भी तो अच्छा नुमाइस नुमाइस ये तो बाद की बात है अच्छा ये तो आजादी की बात की बात हाँ। सबसे पहले ड्रामा हाउस तो अच्छा और वो मंत्र मूसा घर में तो मूसा बोलते मूसा नंद जी अच्छा वो था वो के इंचार्ज अच्छा बड़ा ठाट सर जन को नवाब ने बोल पाल उन चबाऊन था वो तो यो बाद में राजमाता वो ब्लाइंड स्कूल खोली बन अच्छा पिक्चर हॉल कब खुली टेरी में कुछ याद से आते हैं पिक्चर हॉल ये सब बड़ा ने खोली अच्छा काफी बाद मुझे कहा डैम से अच्छा मेरे ख्याल में 85 अच्छा बहुत बाद में खुली हाँ बहुत बाद में आपन देखी कभी पिक्चर हुए हॉल में हाँ हाँ देखी क्या कौन सी कोई पिक्चर देखी है को देख लो बोले सुरंग एक सुरंग पिक्चर सुरंग पिक्चर अच्छा अब अगर हीरो हीरोइन कुछ याद छन नहीं छन हीरो हीरोइन वो मेरे ख्याल धर्मेंद्र या अच्छा दिलीप कुमार इन कोई था अच्छा कुछ ध्यान बहुत सुंदर जन की आप देखना चाह कि टिहरी को एक मतलब बहुत बड़ो इतिहास रहे है और बहुत सुंदर शहर छो टिहरी और पूरी एक सामाजिक व्यवस्था छे हमारे हुए पूरा जग जग अपने लोग जो चुन सुबह जो चुन बाजार है जन छा फिर शाम मत अपना घर जाना छिन कोई माछी भात खाणो छे तो कोई कुछ करनो छे की वो खास बात ये था जी कि यख बड़े बर्ग डाल बोल था वो यख मुझे सुदर्शन सा वो घोड़ो रुकी था वो अच्छा बर्ग डाल में जब वो सुदर्शन सा तो पहले अठूर जान तो बस अठूर सहन बस और जान तो नहीं अच्छा सहनी जी पर वो यख वक बड़े नायन वो श्रीनगर बटन तो ये जगह में बरडाल में वो घोड़ो रुक गए अच्छा वो अड़े बिल्कुल अगवा जान से इनकार कर दें तो तब मेरे ख्याल से सफल में उस क्या है कि तब उन्होंने वक्त फिर राजधानी हाँ टीरी में जो है वो राजधानी बनाया अच्छा तो जा अब आप तक क्या मतलब टीरी डूब गई जन तो कुछ मतलब आप तो याद रंदी वक्त है कि याद आनी चाहिए आप तक टीरी की तो याद के ले लें और याद अब ये मैं लिखी भी थी कि आप ही देखा कि भगवान कृष्ण जी से वो थोड़े भी मथुर की याद आए जब उद्धव मोह नहीं ब्रिज विसरत नहीं है ना तो याद होली अपने ओरिजिनल में की याद होली जन के अब आप टीरी बिटिन देहरादून आ गया हाँ तो आप ते आपका पुराना जो दगड़िया छिन जो वो है कि याद च वो अभी भी आंदी छी बराबर आने के लिए वो तो मतलब यूँ से रहे मेल मुलाकात वगैरह हाँ वो तो याद आनी ये अब ये मुझे ये हमारी इंटरमीडिएट की फोटो अच्छा तो भाई मेरे ख्याल जो कुछ बैठा कुछ खड़ा हाँ पैसा तो हाँ ये पैसा रिलायंस बिल्कुल साफ हाँ अच्छा टीरी माँ सिंगोरी जो ची बहुत हाँ प्रसिद्ध हाँ है सिंगोरी की बात क्या पूछा वो तो नारियल का सीख अरेंज अच्छा मत वो पिस्ते के मिंगनी एंड टॉप में अच्छा हाँ तो मतलब कि बहुत ही वो कुछ स्वाद ही कुछ आप भी बन रहे सिंगोरी पर हाँ वो बात नहीं और अच्छा मालों के पत्तों पर लपेट रहते हैं हाँ तो कुछ तो और टीरी माँ सबसे प्रसिद्ध ये सिंगोरी मैं तो मैं दर तुलसी अलग बोलता ना अच्छा हाँ तो वो दुकान पर बहुत सुंदर और घंटाघर घंटा घर तो बड़ी शान महारानी विक्टोरिया का बड़े हुआ याद में हाँ अच्छा उनको रजत जयंती पर हाँ रजत हाँ हाँ जब उन आगमन होना चाहो ना मैं बताओ जो 25th ईयर ऑफ हर ओके जी रेजिम अच्छा और तो हाँ आपन जो ये किताब लिखी यादों की गलियां मा ये मा टिहरी को कितना विवरण छ पूर्व टीरे को ज्यादातर टिहरी को विवरण कुछ बड़े बड़े लोगों को हुआ चाहिए याददाश्त के मुताबिक हाँ कुछ ये
फिल्मा आकाश के सितारे जो गुजर हो गए हाँ उनके बारे में भी छो अच्छा निमी के बारे में छो बहुत एक दफे एक एक्टर ने जो छो इंग्लैंड उसने किस करनी चाहे तो मैं हाथ हटे ले भाई आई एम इंडियन गर्ल वो हैव यू नेवर बीन किस्ड नो आई एम एन इंडियन गर्ल तो प्रसंग ये अच्छा एक प्रसंग वो भी चाहिए एक प्रसंग वो भी चाहिए बहुत सुंदर और जयवंत पर भी वो निम्मी जयवंत जयवंत समाज पिक्चर हमने देखी तो वह जयवंत हीरोइन थे अच्छा अरे ये अशोक कुमार हीरो अच्छा और वो भाई प्रताप तो ये अशोक कुमार आए नहीं हाँ अरे प्रताप में ब्रिटिश फुटबॉल अच्छा दो भाई खेला मतलब ऑपोजिट में तो आपको टीरी में जब आप टीरी मरन छा तो आपको दोस्ताना कन को डोग दड़ छा दो साल क्या एक ये था बच्चन सिंह ने जो को ये जी किताब पर्ची आप भी था हाँ पर्ची होगा चातक जी को सम्मान और उन तो सब सभी सब के दर्द सब पर गए थे दोस्त थे ना तो टीरी तेरी याद में हम आज यू कार्यक्रम करना चाह नेगी जी और आप तो मालूम छो कि टीरी को बहुत लंबो इतिहास रहे तो आप जो टीरी से जो लोग मतलब पूरा बांध की वजह से विस्थापित हुए गिन आप उन लोगों ते या टीरी ते कन मैयाद कन चला वो ते क्या संदेश देने चाहना आप अब संदेश क्या वो विस्थापित हो गया हाँ कोई कहके कोई कहके हाँ है ना ये दिल के टुकड़े हजार हुए कोई कहीं गिरा कोई कहीं गिरा तो अब जो को बोला हम देहरादून में था वो हमारे सब पार्टी बच्चन सिंह ने ये भी देहरादून बंजार वाला हम था ना और कुछ जगह कोई कोई कहके कोई कहके बट देहरादून में देखो वो अजयपुर में तो पूरी टीरी वो बनाए मुझे बोबड़े भी लगाए पुरानी टीरी निवास अब मिल रहा था एक नहीं कोई मिल रहा एक नहीं कोई कोई मिल रहा नहीं ला यानी आपकी पीढ़ी का कोई भी अब जो सुन बहुत ज्यादा लोग हमारी पीढ़ी क्या एक बचत सी नहीं भी सही और बस कुछ ही नहीं अच्छा चलो बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी आप आपन ये कार्यक्रम में आप लोग कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए और दर्शकों जन की आज हम टीरी तेरी याद में कार्यक्रम का तहत जो चुन हमारा महान साहित्यकार और प्रसिद्ध साहित्यकार मोहनलाल नेगी जी दगड़ी हम लोग बातचीत करना चाह जो कि जो कि पूर्व जीवन को काफ़ी बड़ो हिस्सा जो चो पुरानी टीरी में जो कि आज जलमग्न हुएगी आज हम ते उदड़ी हम पुरानी यादों ते ताज़ा करना चाह तो टीरी दिवस की आप सब ते दर्शकों ते भी बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत धन्यवाद।